हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि 25 मई को एग्ज़ाम होने हैं क्लैट के, जिसमें यूजी और पीजी यानी कि बीएलएलबी एंड एलएलएम दोनों के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। स्पेशली ये वीडियो है एलएलएम पीजी के लिए, उनका एक सॉल्व्ड सैम्पल पेपर मैं लेके आया हूँ, तो एटलीस्ट आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि नए फॉर्मेट के हिसाब से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार से आपको उसके आंसर देने चाहिए, साथ ही उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो दैट मैक्सिमम पीपल कुड हैव बेनिफिट फॉर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, एन्जॉय दिस स्टडी। दोस्तों अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आपको वीडियो में सब कुछ दिख रहा है, पूरे क्वेश्चंस दिख रहे हैं और उसके ऑप्शंस दिख रहे हैं। लास्ट में आप जो भी आंसर टिक करते हैं किसी नोटबुक में, आपको उनको मैच करने के लिए आंसर शीट है पूरे क्वेश्चंस की, तो आप वहाँ से आपने कितना स्कोर किया वो सब आप अपना कैलकुलेट कर पाएंगे। सो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपको पढ़ना है और अपने आंसर्स किसी नोटबुक में लिखते जाना है और लास्ट में आपको इनको चेक करना है। अंतिम के लास्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आपको उन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखना है और उसको भी आपको अपने तरीके से ही उसको एविलेट करना है और चेक करना है। सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने का खुद के द्वारा खुद का इवेल्यूएशन, खुद का मापन करना, यही प्रथम कुंजी होती है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने की। तो आप अपने पर विश्वास करते हुए इस सेट को सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा आने वाले क्लैट के एलएलएम एग्ज़ाम में। सो प्लीज़ कंटिन्यू।